मैं हूँ विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऑनली न्यूज नेशन पर। बड़ी खबर हिंदुओं से जुड़ी हुई आ रही है। क्या हिंदुओं के सर पर खतरे का बॉर्डर मंडरा रहा है? क्या जिस तरीके से धीरे धीरे जनसंख्या पर जो विस्फोट हो रहा है मुस्लिमों की आबादी में, क्या वो इस हमारे हिंदू धर्म के लिए एक बड़े खतरे का निशान है? ये बात, ये सवाल हम नहीं, ये सवाल आरएसएस के नेता हसपोले ने खड़ा किया है। आरएसएस के नेता हसपोले ने इस पर लेकर कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिन खुलासों के बाद से अब इस देश में एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सचमुच इस देश में धीरे धीरे हिंदू खतरे में होने लग गया है। जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उस मुस्लिम आबादी के बढ़ती जनसंख्या और घुसपैठ की वजह से क्या अब इस देश के हिंदुओं का नामो निशान खत्म होने वाला है? पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस देश में आबादी नियंत्रण की मांग लगातार दोहरा रहा है। दशहरा रैली पर आरएसएस चीफ मोहन भागवती थे, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठाई थी। अब संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय हसपोले आबादी पर नीति की मांग कर रहे हैं। दरअसल संघ की इस दलील के पीछे हिंदुओं की आबादी घटने का एक बड़ा तर्क दिया जाता है। हसपोले ने मंगलवार को प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा धर्मांतरण और असंतुलन को लेकर, आपको अपनी इस खबर में हम दिखाएंगे। हालांकि संघ पदाधिकारियों के इन बयानों का विरोधी आलोचना भी करते रहे, तो क्या देश में सच में हिंदुओं की आबादी घट रही है? क्या धर्मांतरण के कारण हिंदुओं को खतरा है? चलिए दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही। आरएसएस द्वारा जो ये तर्क दिया गया है, और आपको इस तर्क पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हमें जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हसपोले ने क्या कुछ कहा। हसपोले ने कहा कि देश की बढ़ती आबादी चिंता का सबब है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एक समान जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्मांतरण और पलायन के कारण जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। हसपोले ने कहा कि धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की आबादी घट रही है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ बढ़ी है और इस पर रोक लगाने की बेहद सख्त जरूरत है। आरएसएस अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में हसपोले ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत समेत कई देशों में बंटवारा भी हुआ। तो आपने देखा कि हसपोले ने इस दौरान क्या कुछ कहा। अब हसपोले के इस बयान पर आप कि राय क्या है, आप कितना हामी भरते हैं, या आपकी राय नामे है, हमें कमेंट बॉक्स में इस बयान के प्रतिक्रिया पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए आप दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर जनसंख्या नियंत्रण कानून और हिंदुओं की घटती जनसंख्या, मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दशहरा की रैली में कहा था कि जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लाना चाहिए। 70 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है। समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो होता यही है। आपको बता दें कि हमारे देश की अगर इस वक्त की सबसे बड़ी कोई परेशानी है, हमारा देश इस वक्त अगर सबसे बड़ी किसी परेशानी से जूझ रहा है तो वो है पॉपुलेशन, हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या। हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या ही है जिसकी वजह से आज के समय में हमारे देश में ज़्यादातर गरीब हैं, ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में चीन ने अपने इन हालातों पर काबू पा लिया, लेकिन हमारे देश की ये कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारा देश चीन से इसीलिए पीछे है क्योंकि चीन की तरह वो कुछ फैसले जो कड़क होते हैं उन्हें नहीं ले पाता है। तो चलिए आपको इस बात के पीछे कितना फैक्ट सही है और कितना नहीं, ये दिखाते हैं कि क्या हिंदुओं की आबादी सही में कम हो रही है और कम हो जाएगी। वैसे इस मामले पर नज़र बनाए हुए वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा एक बात साफ किया गया है कि
सरकारी स्रोतों से उपलब्ध सभी आंकड़े यही बताते हैं कि मुस्लिमों की आबादी का कभी भी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा होना नामुमकिन है। इसके बाद भी डर का इजहार जारी है और साथ में इस डर को और ज़्यादा दिखाने की कोशिश भी। इससे हिंदुओं के एक तबके में असुरक्षा तो मुस्लिमों में अलग थलग पड़ने की भावना पैदा हुई। इस वजह से हमें जब जब सामाजिक अशांति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तब तब यह जो मामला है जनसंख्या का वो सामने आता है। मुस्लिमों की आबादी का औसत आपको दिखाते हैं। 2020 के आकलन के अनुसार भारत में करीब 100 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1947 के बाद हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है। आंकड़ा कहता है कि 1991 से लेकर 2020 तक लगभग हर साल औसतन हिंदू आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ी है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी का दर सालाना 25 लाख है। ये तो तब है जब मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले अब दोगुनी हो गई है। ऐसे में संघ का डर कितना जायज है। चले आपको दिखाते हैं कि कैसे हिंदू धर्म खतरे में है। अभी भी आपने अभी हाल ही में कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी जहां ये बोला जाता है कि हमारा धर्म के लोग यहां ज़्यादा हैं, मुस्लिम यहां ज़्यादा रहते हैं, तो यहां के स्कूलों में हमारे धर्म के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए। कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर मुस्लिमों की आबादी जिस क्षेत्र में ज़्यादा है उस क्षेत्र में संडे की जगह फ्राइडे को छुट्टी रखा गया। वहीं प्रार्थना करने के तरीकों में भी बदलाव किया गया। ऐसे में मुस्लिमों की आबादी जहां ज़्यादा होती है वहां पर वो अपना शरिया कानून थोपने पर लग जाते हैं। यही कारण है आरएसएस के डर का। आरएसएस ने जो आज ये डर दिखाया है और आरएसएस जो लगातार जो पॉपुलेशन कंट्रोल की लॉ की मांग कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हमारे देश की एक बहुत बड़े परेशानी का। हमारे हिसाब से भारत सरकार और भारत के तमाम लोगों को इस सॉल्यूशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से हटकर अगर और भी मुद्दों पर देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन की वजह से सिर्फ धर्म और इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर बात बढ़ती नहीं है, हालांकि पॉपुलेशन की वजह से देश का खर्चा बढ़ता है, देश के रोज़गार बढ़ाने पड़ते हैं, देश के लिए कई परेशानियाँ बढ़ती हैं। ऐसे में हम दो हमारे दो वाला जिस दिन रूल यहाँ लागू हो गया उस दिन भारत में एक बड़ा सुधार आएगा। आरएसएस मेंबर्स और आरएसएस के चीफ की ये मांग हमारे हिसाब से तो जायज़ है। खैर, इस पूरे खबर पर, इस पूरे आरएसएस के मुद्दे पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आपको क्या लगता है। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? क्या ये हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं है? और अगर आपको लगता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश के लिए ज़रूरी नहीं है तो एक बार आप उसके पीछे का कारण हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस खबर को यही अंत करते हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट बॉक्स में जितनी भी राय हमने आपसे मांगी है वो ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।